कुल्हड़ वाली चाय दे दो भैया। उम्मीद है आपने भी कभी न कभी कुल्हड़ में चाय तो जरूर पी होगी। चाय का स्वाद ही बदल जाता है अगर कुल्हड़ में पी रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं उस कलाकार को जिस कुल्हड़ को बनाता है? जिस मिट्टी में एक दिन हम सबको मिल जाना है, उस मिट्टी से एक कलाकार यानी कुम्हार ऐसा है जो कुछ बना देता है जो हमारे खाने पीने का स्वाद ही बदल दे। हम आपको कुल्हड़ चाय बनाने का पूरा प्रोसेस दिखा रहे हैं कि कैसे एक कुम्हार उस चाय को रखने वाले कुल्हड़ को बनाता है और कैसे वो मिट्टी गूंथी जाती है जिससे कुल्हड़ बनता है। मिट्टी के बर्तन बनाना एक कला है, इसलिए हम कुम्हार को कलाकार कह रहे हैं। दौसा जिले के पुराना बाजार में लल्लू राम मिट्टी के कुल्हड़ बनाते हैं। 40 साल से बना रहे हैं, उनका पुश्तैनी काम है। वो कहते हैं सबसे ज्यादा पसंद मिट्टी के बने हुए कुल्हड़ आते हैं जिससे लोग दूध और चाय पीते हैं। लल्लू कहते हैं कि ये कुल्हड़ तैयार होने के बाद अब लोग दूर दूर से यहाँ लेने आते हैं। पहले तो मिट्टी साहब यहाँ आसपास ही मिल जाती थी, अब आजकल है जो 3-4 किलोमीटर दूर से आती है मिट्टी। पहले 100 रुपए की गाड़ी आती थी, आज 500 रुपए की आ रही है। वो समस्या मिट्टी की सबसे ज्यादा है यहाँ। सब कॉलोनिया बन गई जहाँ मिट्टी आती थी वहाँ, तो अब मिट्टी के लिए तो परेशानी परेशानी है। गवर्नमेंट की तरफ से प्रोत्साहन आपको मिल रहा हो? गवर्नमेंट की तरफ से हमको तो अभी तक कुछ मिला नहीं यहाँ। कितने साल से काम कर रहे हैं? हम 40 साल से काम कर रहे हैं ये मिट्टी का। आज तक कोई नहीं। हम कुल्हड़ बनाते हैं चाय के, दूध के, RCC के अंदर लगते हैं 6 इंची का माल वो बनाते हैं, दीपक बनाते हैं, सराय बनाते हैं, बर्तन बनाते हैं। कुल्हड़ चाय के 100 रुपया सैकड़ों है, दूध वाले 200 रुपया है, RCC के 500 रुपए के 100 है, दीपक 100 रुपया सैकड़ों बिकते हैं, सराय 5 रुपए की एक बिकती है। एक आदमी 800-700 कुल्हड़ बना देता है। कुम्हार जो बर्तन बनाता है उसमें कुल्हड़ की डिजाइन अलग होती है, चाय पीने वाले अलग और दूध पीने वाले अलग। चाय वाले कुल्हड़ 100 रुपए में 100 मिल जाते हैं, जबकि जिसमें दूध पिया जाता है वो कुल्हड़ 200 रुपए के 100 मिलते हैं। तो कलाकार की मेहनत का सम्मान कीजिए और कुल्हड़ वाली चाय के मजे लीजिए। दौसा से कालूराम जाट की रिपोर्ट।